अमेरिका के पूर्व CIA के अधिकारी ने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। इस स्टेटमेंट को आज आपको जानना चाहिए और ये स्टेटमेंट आपको क्रिस्टल क्लियर कर देगी कि आज पाकिस्तान वाले क्यों खुश हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया है और भारत वाले क्यों परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तालिबान का राज आ गया है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि सिचुएशन किस तरीके से बदली है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। आपको हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया, अफगानिस्तान के अड़ोसी पड़ोसी देशों के अंदर एंटी टेरर ड्रिल शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ ही आपको पता होगा, याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के राज आने पर सभी के सभी आतंकवादी संगठनों ने तालिबान को बधाई दी थी। क्या ETIM, क्या अलकायदा, क्या लश्कर ए तैयबा, क्या जैश ए मोहम्मद और क्या सीरिया के आतंकवादी, दुनिया के कितने भी आतंकवादी संगठन हैं, वो तालिबान की इस जीत से सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं। और इसमें एक कंडीशन लगी हुई है, वो ये है कि इसमें पाकिस्तान इकलौता दुनिया का देश है जो सबसे ज़्यादा खुश है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो वास्ता है आतंकवादी देशों के साथ है। पाकिस्तान तब खुश होता है जब आतंकवादी संगठन खुश होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद CIA के पूर्व अधिकारी के ऊपर आते हैं। CIA के पूर्व अधिकारी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि आज भारत को सबसे बड़ी परेशानी का सबब मिल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी को शक नहीं है कि भारत को यहां पर आने वाले समय में चैलेंजेस फेस करने होंगे। दरअसल भारत के चैलेंजेस फेस करने का एक कारण भी है क्योंकि पाकिस्तान की दखल अंदाजी अफगानिस्तान के अंदर बहुत हो रही है और उस कड़ी में भारत अपनी सिक्योरिटी को एंश्योर करना चाहता है। एक तरफ सभी आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट देता है कि अगर आप अफगानिस्तान को डॉलर नहीं देते हो तो यहां पर आतंकवादी जन्म लेंगे। अब दोस्तों, ये बातें करने बैठे थे तो ये बातें भी तो कर सकते थे पाकिस्तान के मिनिस्टर कि अगर अफगानिस्तान को आप डॉलर नहीं दोगे, अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी, अफगानिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे, अफगानिस्तान के लोगों का भविष्य नहीं होगा। ये बात भी तो ये बोल सकते थे। नहीं, इन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान को आप डॉलर नहीं दोगे तो यहां पर 9/11 दोबारा से हो जाएगा, आतंकवादी संगठन बहुत तेजी से फलेंगे फूलेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कितनी बड़ी है और पाकिस्तान को आतंकी फैक्ट्री क्यों बोला जाता है और भारत क्यों चिंतित है कि पाकिस्तान तो एक आतंकी फैक्ट्री है ही, अब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करेगा वो भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए। यही कारण है कि भारत आज चिंतित है, दुखी है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का राज है और अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद राज आने वाला है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के ऊपर? छोटी सी रिपोर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और छोटी सी रिपोर्ट के अंदर आपको सारी जानकारी मिल गई है कि अफगानिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा।